मध्य प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर शुक्रवार 11 अक्टूबर को प्रदेश के सभी वकील किसी भी अदालत में उपस्थित नहीं हुए और अदालती कामकाज से विरत रहे, जिससे अदालतों का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और पक्षकार परेशान हुए। मंदसौर में एक वकील युवराज सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद हाईकोर्ट बार काउंसिल ने वकीलों से शुक्रवार को कोर्ट में काम से अनुपस्थित रहने का आह्वान किया था। अधिवक्ताओं पर लगातार हो रहे हमलों को रोकने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन शासन से बार बार महज आश्वासन मिलने से अधिवक्ता पहले से नाराज चल रहे थे। इसी बीच मंदसौर में एक वकील की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद वकीलों का आक्रोश चरम सीमा पर पहुंच गया है और उन्होंने अदालती कामकाज से दूर रहकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। 7 बार स्टेट बार काउंसिल ने हड़ताल का आह्वान किया और जब जब भी हड़ताल का आह्वान किया गया, सरकार से बातचीत हुई, अच्छी बात हुई, उन लोगों द्वारा आश्वासन दिए गए, लेकिन झुंझुना प्लान के बाद उसको असर नहीं किया गया। अभी दो दिन पूर्व मंदसौर के जो अधिवक्ता श्री चौहान साहब की गोली में हत्या कर दी गई, उसके बाद भी सरकार से संपर्क में रहे, उन्होंने फिर आश्वासन दिया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि उस टाइप से अपना पूरे जो इन्होंने बातें की उस पर खड़े उतरेंगे। 8 अगस्त 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चौहान साहब ने भी भोपाल में जो अपने घर में महापंचायत बुलाई थी, उसमें कहा गया था कि बहुत शीघ्र अधिवक्ता सुरक्षा के लिए एक्ट बनाया जाएगा, लेकिन 6 साल बीतने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद दूसरी सरकार आई, कमलनाथ जी ने भी अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया था, लेकिन उसके बाद भी लगभग 8 महीने हो गए हैं, आज तक कोई असर नहीं किया गया। और कम से कम भी पिछले 7 साल में 119 अधिवक्ताओं की हत्या की गई है। हम चाहते हैं कि जल्द ही जल्द इसके ऊपर सरकार कदम उठाए, नहीं तो अधिवक्ताओं को मजबूर होकर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। उस आंदोलन के दौरान यदि कोई घटना घटित होती है, उसके पूरी सरकार जिम्मेदार होगी।